तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2000 वाट के अराउंड जो जो एम्पलीफायर्स आप लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं, सारे एम्पलीफायर्स का प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर। तो देरी ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे चैनल में कुछ दिन पहले हमने 5000 वाट के एम्पलीफायर का ऐसे ही एक प्राइसिंग डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। साथ साथ आप लोगों को उस वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग 5000 वाट के एम्पलीफायर के प्राइस का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एम्पलीफायर आता है स्टूडियो मास्टर की तरफ से, स्टूडियो मास्टर का DJA 2500 मतलब 2500 एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर एक 2500 वाट का एम्पलीफायर है। बात करूँ अगर आउटपुट डिटेल्स की, तो ये एम्पलीफायर आप लोगों को 8 ओम्स में 600 वाट का पर चैनल आउटपुट करता है, 4 ओम्स में पर चैनल 900 वाट का आउटपुट करता है। 2 ओम्स का कोई भी रिकमेंड इसमें नहीं है, 2 ओम्स में आप इस एम्पलीफायर को ना चलाइए, ठीक है। 2 ओम्स पे ये एम्पलीफायर स्टेबल नहीं है। बात करूँ अगर यहाँ पर डंपिंग की, तो डंपिंग इस एम्पलीफायर में आपको 350 का देखने को मिल जाएगा। तो आप इस एम्पलीफायर में बेस थोड़ा बहुत चला सकते हो, 600 वाट का अगर आपके पास बेस है तो 2 बेस के लिए ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। बात करूँ अगर प्राइसिंग डिटेल्स की, तो DJA 2500 ये एम्पलीफायर आपको अप्रॉक्स 26000 से लेकर 28000 में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में जो एम्पलीफायर आता है स्टैंजर की तरफ से, स्टैंजर का SPV 2K एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर एक 2000 वाट का एम्पलीफायर है। बात करूँ अगर आउटपुट की, तो ये एम्पलीफायर 8 ओम्स में पर चैनल 450 वाट का आउटपुट करता है, 4 ओम्स में पर चैनल 650 वाट का आउटपुट करता है एंड 2 ओम्स में 1000 वाट का पर चैनल आउटपुट करता है। इस एम्पलीफायर में कोई भी आपको डंपिंग का देखने को नहीं मिलेगा, डंपिंग फैक्टर इस एम्पलीफायर में अभी भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। और आप लोगों को पता ही होगा स्टैंजर का एम्पलीफायर 2 ओम्स में काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता है। आप लोगों को मैं बोलूँगा अगर आपके पास 300 वाट के स्पीकर वाला 4 टॉप है, तो 4 टॉप भी आप इसमें आराम से चला सकते हो, ठीक है। 2 ओम्स के लिए स्टैंजर का एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। बात करूँ अगर स्टैंजर SPV 2K एम्पलीफायर का प्राइस, तो अप्रोक्स ये एम्पलीफायर 27000 से लेकर 29000 में आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में यहाँ पर जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर आउजा की तरफ से आता है, आउजा का LXA 2000। और इस वीडियो में तो मैं सारे 2000 से लेकर 2500 के एम्पलीफायर का प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं LXA 2000 की, तो ये एम्पलीफायर 8 ओम्स में पर चैनल 400 वाट का आउटपुट करता है, 4 ओम्स में पर चैनल 700 वाट का आउटपुट करता है एंड 2 ओम्स में पर चैनल 1000 वाट का प्रॉपर आउटपुट करता है। बात करूँ अगर यहाँ पर इस एम्पलीफायर के डंपिंग की, तो 400 का डंपिंग आपको ये एम्पलीफायर दे देता है। बात करूँ अगर यहाँ पर अप्रॉक्स प्राइस की, तो ये एम्पलीफायर अप्रॉक्स आपको 30000 के करीब करीब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आउजा का एम्पलीफायर है तो थोड़ा महंगा आता है आउजा का एम्पलीफायर। नेक्स्ट में जो एम्पलीफायर आता है, ये भी एम्पलीफायर आउजा की तरफ से आता है, आउजा का LXA 2400 एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर वाटेज में थोड़ा सा ज़्यादा है पहले वाले से, ठीक है। ये एम्पलीफायर 2400 वाट का एम्पलीफायर है, और आपके पास अगर 600 वाट का 2 बेस है, उसके लिए आप एम्पलीफायर लेना चाहते हो, तो आउजा का LXA 2400 ले सकते हो। LXA 2400 एम्पलीफायर 8 ओम्स में पर चैनल 600 वाट का आउटपुट करता है। बात करूँ अगर 4 ओम्स की, तो 4 ओम्स में 850 वाट का पर चैनल आउटपुट करता है एंड 2 ओम्स में पर चैनल 1200 वाट का आउटपुट करता है। ये भी एम्पलीफायर 400 का डंपिंग के साथ आता है। एंड प्राइस की अगर बात करूँ, तो आउजा का LXA 2400 एम्पलीफायर अप्रॉक्स आपको मार्केट में 34000 के करीब करीब देखने को मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3000 ऊपर नीचे हर टाइम होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, सभी एम्पलीफायर में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर जो एम्पलीफायर मैंने ऐड किया है, ये एम्पलीफायर आता है एयरऑन्स की तरफ से, एयरऑन्स इंडिया का R2000। ये भी एम्पलीफायर 2000 वाट का ही है। बात करो अगर इसका आउटपुट की, तो 8 ओम्स में 600 वाट का पर चैनल आउटपुट करता है एंड 4 ओम्स में 850 वाट का पर चैनल आउटपुट करता है। 2 ओम्स का रिकमेंड इस एम्पलीफायर में आपको नहीं मिलता। और एक टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगा, ये जो R2000 एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर क्लास AB में आता है, ठीक है। ये एक टिप्स था, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। डंपिंग की अगर बात करूँ, तो 160 का आपको इस एम्पलीफायर में डंपिंग भी मिल जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करूँ, तो प्राइसिंग सबसे कम बजट में आपको यही एम्पलीफायर मिलेगा, जो कि 24000 में ये एम्पलीफायर आपको मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। ये एम्पलीफायर थोड़ा सा कम बजट वाला एम्पलीफायर है, तो आप लोगों के पास अगर बजट कम है, तो आप लोग R2000 की तरफ जा सकते हो, लेकिन इस एम्पलीफायर में आपको 2 ओम्स का रिकमेंड नहीं मिलता। बात करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट एम्पलीफायर की, नेक्स्ट एम्पलीफायर है यहाँ पर डायनेटिक की तरफ से, डायनेटिक का PD2500 MK2। और ये एम्पलीफायर सबसे महंगा एम्पलीफायर है इस सीरीज़ में, मतलब 2000 वाट के एम्पलीफायर्स के सीरीज़ में ये एम्पलीफायर सबसे महंगा आता है। और इसी एम्पलीफायर में आप लोग
600 या फिर 650 वाट का बेस, या फिर आपके पास अगर 800 वाट का बेस भी है तब भी आप लोग इसे एम्पलीफायर में चला सकते हो। बात करूँ अगर यहाँ पर PD 2500 का आउटपुट के ऊपर, तो 8 ओम्स में पर चैनल 660 वाट का आउटपुट ये एम्पलीफायर करता है, 4 ओम्स में पर चैनल 1100 वाट का आउटपुट करता है एंड 2 ओम्स में पर चैनल 1350 वाट का आउटपुट करता है। बात करूँ अगर यहाँ पर डंपिंग की, तो इसमें आपको डंपिंग 700 का मिल जाएगा, इसीलिए ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर आपके पास 650 वाट या फिर 800 वाट का बेस भी है तब भी आप लोग इसे एम्पलीफायर में दो बेस को आराम से रन कर सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो PD 2500 एम्पलीफायर एप्रॉक्स आपको मार्केट में 35 से 36,000 रुपये में देखने को मिल सकता है, और मैंने बताया हुआ सारे प्राइजेस एप्रॉक्स प्राइस है, प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये था पूरा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और 5000 वाट के एम्पलीफायर का वीडियो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है तो वैसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो।